कामेरावादी की बैठक संपन्न हुई। लखनऊ के दारुल सपा में अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय प्रांतीय मंडल जिला कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक का आयोजन किया। प्रदेश अध्यक्ष सीएल पटेल की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में कृष्णा पटेल उपस्थित रही। बैठक को संबोधित करते हुए अपना दल कामेरवादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पटेल ने कार्यकर्ताओं को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए कहा कि आज समाज में इतनी वैमनस्यता, विपन्नता, बेरोजगारी फैल गई है और शोषण चरम पर है और हम सबको इसके खिलाफ लड़ना होगा। लड़ने के लिए हमारे बीच साहू जी, फूले पीरिया, बाबा साहब लोहिया, जेपी काशीराम, डॉक्टर सोनीलाल पटेल मौजूद नहीं और यह अभाव हमारे संघर्ष, हमारी चुनौती को निसंदेह बड़ा करता है, किंतु हमारा सौभाग्य है कि हमें अपना पुरुषों से संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा। निसंदेह वो भाग्यशाली लोग हैं जो सत्ता में नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़े। इसीलिए मैंने कहा था कि अब साहू जी, फूले जी आद नहीं है और अब उनके उत्तराधिकारी और हमको पूरी तरीके से इस पर ध्यान केंद्र करना होगा। बैठक में विधायक पल्लवी पटेल, रामजी लाल, निर्मल, महेंद्र सिंह, स्वामीनाथ पटेल आदि लोग मौजूद रहे। अशोक कनौजिया, लखनऊ, समाचार 24। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में संयुक्त बैठक रखी गई है। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने संगठन के लोगों के माध्यम से पूरे समाज और प्रदेश की जनता के बीच में ये मैसेज पहुँचाना कि बेरोजगारी, महंगाई, ये ऐसे विषय हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। और आज शोषण देखिए, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, वो अपनी चरम सीमा पर आ चुका है। और ऐसे में ये बात सही है कि आज ज्योतिबा फूले हो, जेपी साहब हो, या फिर आपके पेरियार साहब हो, या महामना गौतम बुद्ध हो, या फिर आपके माननीय काशीराम जी हो, या डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी, आज भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, हमारे उन संघर्षों को आगे ले जाने के लिए, उसको निपटाने के लिए, लेकिन अब हम उनके उत्तराधिकारी बन चुके हैं कि उनके संघर्षों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए समाज को एक नई दिशा की तरफ ले जाए, ये सबसे अहम मुद्दा है। इन बातों को लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। और अगर गौर से देखेंगे तो पिछले 8 सालों में जितनी लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी है, ज्यादा विषमताएं आम आदमी के लिए बढ़ी है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे रोटी हो, चाहे शिक्षा हो, तो इसका जवाब कौन देगा? अब वक्त है कि हमें सरकार की आंखों में आंखें डालकर पूछना है कि आपके वादों का क्या हो। हमें सरकार को ये बताना है और उनको सचेत करना है इस बात के लिए कि जब व्यक्ति असंतोष होता है तब अराजकता जन्म लेता है। आज हमारे लोगों को, हमारे संगठन के व्यक्ति को यही दिया गया कि इन मुद्दों को उठा करके समाज के बीच में चर्चा करें और बताने का काम करें कि किस प्रकार हमारे साथ धोखाधड़ी की गई है, कैसा षड्यंत्र रचा गया है, जो बहुजन जो इस देश का मालिक है आज उसको अंधेरे में ढकेल करके चंद मुट्ठी भर लोगों को इस देश का मालिक बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं अपने भविष्य के लिए, अपने वर्तमान के लिए हमें लड़ना है। अलवी जी, जैसा कि विधानसभा में अभी चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद MLC का चुनाव होने जा रहा है और आज से नामांकन भी, तो क्या सहयोगी दल में समाजवादी पार्टी आपके भी किसी भी देगी? देखिए, ये एक व्यक्ति को सोचना है कि हम उनके लिए कितने सहयोग के साथ हम जब उनके साथ गठबंधन में आए थे, हमारी ऐसी कोई शर्त नहीं थी। और आगे अगर समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि हम उनके बहुत मजबूत सहयोगी हैं, तो निसंदेह वो हमारे पार्टी से किसी न किसी नाम का विचार जरूर करें। लखनऊ में कलयुगी पुत्र